नमस्कार, मैं आपके साथ उजाश्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है खास खबर का। खबर उत्तर प्रदेश और कानपुर से है, जहां 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट बेहद खास होती जा रही है। इस सीट पर सोलंकी परिवार लगभग 2 दशक से अधिक समय से काबिज है। सपा विधायक इरफान सोलंकी को आगजनी मामले में सजा होने के बाद सपा ने इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी को इस सीट से मैदान में उतारा है। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करने कैराना से सपा सांसद इकरा हसन सीसामऊ विधानसभा स्थित ग्वालटोली मकबरा व कर्नलगंज इलाके में पहुंचना है। बता दें कि इस सीट पर सपा के साथ साथ भाजपा ने भी सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। यहां अब तक कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल, सुरेश खन्ना, राकेश सचान, निषाद पार्टी के संजय निषाद व दोनों डिप्टी सीएम लगातार इस सीट पर मेहनत करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी बूथ स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं में जोश भर कर रखा है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस विधानसभा में भी जनसभा को आयोजित की, जिसमें उन्होंने सपा प्रत्याशी को जमकर घेरा। वहीं सीट पर लगातार पोस्टर वॉर भी देखने को मिल रहा है, जहां सपा समर्थकों ने 24 का न्यायाधीश 27 का सत्ताधीश का पोस्टर लगाकर जनता को प्रभावित करने का प्रयास किया, तो वहीं भाजपा की ओर से बटोगे तो कटोगे पोस्टर लगाकर हिंदू वोटर्स को एकजुट करने का प्रयास किया है। फिलहाल भाजपा की ओर से हाई प्रोफाइल नेताओं व जनप्रतिनिधियों की टीम ने कानपुर में डेरा डाल लिया है और इस उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को जिताने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। एक तरफ जहां अखिलेश की रैली प्रस्तावित है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी जनसभा प्रस्तावित है। बता दें कि इस कानपुर की सीसामऊ विधानसभा में मुस्लिम वोट बैंक एक बड़ी अहमियत रखता है। इसके बाद इस सीट पर ब्राह्मण वोट बैंक भी बड़ी संख्या में मौजूद है, लेकिन इस सीट पर दलित और कायस्थ वोट भी महत्वपूर्ण भूमिका में माना जाता है। देखिए, हमारे बीच कुछ युवा है, जानेंगे कि यहाँ युवा जो है वो क्या चाह रहा है, क्या रुझान है इनका, और भाई क्या लगता है अपनी बार के चुनाव को देखते क्या रुझान लग रहा है इनका, और इसके अभी तक यह इरफान सोलंकी रही है सपा की जीत रही है, तो सपा के द्वारा क्या कार्य कुछ कराए गए, क्या कराए गए, तो इस बार क्या बदलाव क्या का रहने वाला हूँ, किसान क्रेडिट कार्ड पता होगा, कच्चा मेरा माफ हुआ बीजेपी के राज में। क्या लग रहा है आपको माहौल, देखते क्या समझ में आ रहा है? महाराज देखे बीजेपी का माहौल मुझे अच्छा लग रहा है, मैं दूसरों को नहीं बोल सकता हूँ किसको क्या अच्छा लग रहा है, प्रजातंत्र राज है, जिसकी इच्छा हो वो बोल सकता है, चाहे मीडिया हो चाहे जनता की अदालत हो कहीं पर भी हो, किसी के हमें कुछ नहीं लगता है, किसको कहाँ का फायदा है कहाँ का नुकसान है, बारिश होती है किसी का नुकसान होता है किसी का फायदा होता है, ये नहीं बोले जो चोरी चमारी डकैती पड़ रही है, लूट मार रोडों पे हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो रोटी कौन देगा, बिना मेहनत के रोटी कोई ना नेता नहीं कोई देगा जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे। जिसको जिताएगी यहाँ की जनता, अरे कोई भी जीते हमसे ऐसे नहीं, हमें ये चाहिए बच्चे नौकरी चाकरी में खड़े हुए। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भारत की रिपोर्ट। 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट बेहद खास होती जा रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगामी 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।